हेलो दोस्तों, मैं कन्हैया एक भाई फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश ज्ञान पे, जहां पे आपको स्कूल कॉलेजेस एंड स्टडीज से जुड़ी टिप्स एंड अपडेट्स मिलती रहती हैं। तो दोस्तों, जिस वीडियो को आप बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि इस साल DU BEd की एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाली है, हर एक कैटेगरी एंड पेडागोजी वाइज हम डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में। तो आज आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, आपका कितना एडमिशन हो पाएगा नहीं हो पाएगा, क्या चांसेस रहने वाले हैं आपके नंबर के हिसाब से एडमिशन के। तो आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपका ये सारा डाउट क्लियर हो जाएगा और आपको एक क्लियर एंड क्रिस्प आइडिया हो जाएगा कि आपका एडमिशन हो पाएगा इस साल या नहीं हो पाएगा। क्योंकि ये जो कट ऑफ मैं एनालिसिस करूंगा, आपको जो भी एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैं बताने वाला हूँ, ये आपकी जो लास्ट ईयर की कट ऑफ रही थी, थर्ड कट ऑफ तक मैंने एनालिसिस करा था। क्योंकि थर्ड कट ऑफ के बाद मोस्टली जो सीट्स होती हैं वो क्लोज होना चालू हो जाती हैं। तो अगर आपका एडमिशन थर्ड कट ऑफ तक हो जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है, बट अगर थर्ड कट ऑफ तक भी आपका नंबर नहीं आता है तो ये मानकर चलिएगा कि आपका एडमिशन बहुत ही रेयर हो जाएगा। क्योंकि फिर सीट सबकी क्लोज हो जाती हैं, SC ST में मोस्टली सीट्स सारी क्लोज हो जाती हैं हर एक पेडागोजी में। तो आज की इस वीडियो में बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा सारी चीज़ें, बहुत ही अच्छे से मैंने सारी चीज़ों को मैनेज करके यहाँ पर रखा है, आपको बहुत अच्छे से समझ आएंगी। और जो भी मैंने मार्क्स यहाँ पर रखे हैं वो एकदम मिनिमम मार्क्स हैं जो कि आपको होने ही चाहिए। अगर आपके इससे भी कम हैं तो आपके एडमिशन के चांस बहुत ही कम हो जाएंगे। बट अगर आप इस लाइन को टच कर रहे हैं या फिर इसे आपके ऊपर है तो आप एक होप लेकर चलिएगा कि आपका एडमिशन हो सकता है। ऑल्दो मैंने जितने भी ये नंबर्स लिए हैं वो थोड़े से कम ही लिए हैं, लास्ट ईयर की जो भी थर्ड कट ऑफ थी उससे भी थोड़ा सा 5 to 10 नंबर मैंने डिक्रीज करके लिया है, ताकि अगर कट ऑफ गिरती है तो भी इन बच्चों का एडमिशन हो जाएगा, या फिर जितने बच्चे इस कैटेगरी में भी आ रहे हैं, इस नंबर तक टच कर रहे हैं, वो भी एक होप लेकर चलें कि उनका एडमिशन भी हो सकता है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और इससे पहले, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जरूर से जरूर जुड़िएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी से आने वाली प्रत्येक इन्फॉर्मेशन के साथ साथ DU BEd एंट्रेंस एग्जाम के बाद जो भी आपका एडमिशन प्रोसेस रहेगा उससे रिलेटेड हर एक वीडियो एंड अपडेट देखने को मिलती रहेगी। तो चलिए फाइनली वीडियो को शुरू करते हैं और जो भी एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहने वाली है वो डिस्कस करते हैं। तो पहले हम बात करेंगे सोशल साइंस पेडागोजी की, जिसमें हम कैटेगरी वाइज डिस्कस करेंगे कि जनरल में कितनी गई है, SC में क्या रह सकती है या फिर OBC में क्या रह सकती है। तो देखिए, सोशल साइंस पेडागोजी में अगर हम जनरल कैटेगरी की बात करें तो उनकी जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है वो है 215। ये मैं मिनिमम मार्क्स डिस्कस कर रहा हूँ। अगर आपके 215 मार्क्स हैं तो आप ये होप लगा के चलिए कि आपका थर्ड कट ऑफ तक एडमिशन हो जाएगा। बट अगर आपका 215 भी नहीं है, 210 भी है, तो भी आप होप मत खोइएगा, क्योंकि आपके एडमिशन के चांस थोड़े बहुत होंगे। जैसे अगर मैं 215 यहाँ पे लिखता हूँ, अगर आपके 210 हैं तो ये लगा लीजिएगा कि आपके 40 और 60 का रेशो होगा एडमिशन का। फिर इसी तरह अगर OBC की बात करें तो OBC वालों को 210 नंबर मिनिमम चाहिए ही चाहिए सोशल साइंस पेडागोजी में एडमिशन लेने के लिए। सेम इसी तरह SC कैटेगरी वालों के लिए ये क्राइटेरिया 205 नंबर का है, और ST वालों के लिए ये 200 नंबर है, और EWS कैटेगरी वालों के लिए ये 205 है। और अगर आपके ये मिनिमम मार्क्स भी नहीं है, एक दो ऊपर नीचे आप लगा के चल सकते हैं, बाकी मैंने ऑलरेडी ये बहुत लोएस्ट उठाए हैं, थर्ड कट ऑफ के बाद के नंबर हैं ये, कि इतने तक बच्चों के थर्ड कट ऑफ तक एडमिशन हो रहे थे, क्योंकि उसके बाद सीट्स क्लोज हो जाती हैं, तो मोस्टली जो एडमिशन होने होते हैं वो थर्ड कट ऑफ तक हो जाते हैं। तो अगर आपके इतने नंबर हैं तो आप थर्ड कट ऑफ तक जरूर से जरूर वेट करिएगा, ताकि आने वाली लिस्ट में आपका नाम आ सके। ठीक है, बट अगर आपके इससे भी कम मार्क्स जा रहे हैं तो आप ऐसा लगा लीजिए कि आपके चांसेस बहुत ही रेयर हैं, बहुत ही रेयर। बट स्टिल आई वुड से दैट आई नो प्लीज वेट टिल थर्ड कट ऑफ। ओके, देन वी हैव लैंग्वेज। अब लैंग्वेज वालों का क्या क्राइटेरिया रहने वाला है, तो जनरल की बात करें तो जनरल वालों को 215 मार्क्स चाहिए ही चाहिए, मिनिमम होने चाहिए आपके लैंग्वेज पेडागोजी में, अगर आपको एडमिशन लेना है जनरल कैटेगरी से। फिर इस तरह ओबीसी की बात करें तो ओबीसी वालों को 205 मार्क्स चाहिए, एससी वालों को 195,
एसटी वालों को 185 और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अगर आप हैं तो आपको 200 मार्क्स चाहिए। तो देखिए यहाँ पे जो लैंग्वेज है उसमें आपका एससी एसटी है, ये बहुत ही जल्दी कट ऑफ क्लोज हो जाती है। थर्ड कट ऑफ में आपको ये जो सीट्स हैं वो पूरी फुल हो जाती हैं और इसमें एडमिशन क्लोज हो जाते हैं। तो एससी एसटी वालों के लिए बहुत ज़्यादा कंपटीशन रहता है टफ, क्योंकि इनकी एक तो सीट्स भी कम होती है, ऊपर से अगर कट ऑफ इनकी हाई जाती है तो मोस्टली बच्चों का एडमिशन नहीं हो पाते हैं। तो अगर आप एससी एसटी हैं तो भी आपका कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा हाई है यहाँ पर। आप ऐसा बिल्कुल ना लगा के चलिए कि आपके कम नंबर पे भी एडमिशन हो जाएगा। लाइक बहुत सारे बच्चों के 165 या 138 इतने कुछ मार्क्स आ रहे हैं, तो उन बच्चों का तो बिल्कुल भी मैं कहूँगा कि नहीं हो सकता है। ये बहुत ही कड़वा ट्रूथ है और मैं सच्ची में मैं आपको बता के चलता हूँ कि अगर आपके बिलो 85 हैं और आप एस सी एस टी हैं, लैंग्वेज में आपका पेडागोजी है या फिर सोशल साइंस है या साइंस है इवन, तो भी आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा, क्योंकि इतनी कट ऑफ अब नहीं गिरती है। कट ऑफ हर एक साल इंक्रीज हो रही है। लास्ट टू लास्ट ईयर की हम बात करें 2020 या 19 की, तब बच्चों के 200 नंबर तक एडमिशन हो जाते थे। देन उसके बाद कट ऑफ 215 तक पहुंचती है, 210 पहुंचती है। देन उसके बाद जो लास्ट ईयर की कट ऑफ रही थी वो आप देख सकते हैं कि 215 या 220 नंबर तक ही बच्चों के एडमिशन हो पाए थे जनरल कैटेगरी में, और एस सी एस टी भी इवन 185 तक क्लोज हो गई थी थर्ड कट ऑफ तक ये, ठीक है। तो एस सी एस टी भी सेकेंड कट ऑफ तक सीट्स फुल हो जाती हैं और फिर उसके बाद जो थर्ड कट ऑफ आती है उसमें सीट्स क्लोज हो जाती हैं, बच्चों के एडमिशन नहीं होते हैं। इवन थर्ड कट ऑफ में जो एडमिशन होते हैं वो बहुत ही कम बच्चों के होते हैं, लाइक एक दो बच्चों के एडमिशन हो रहे होते हैं। तो बहुत तो अगर आपका एडमिशन फर्स्ट और सेकेंड लिस्ट में हो जाता है तो बहुत अच्छी बात होगी, वरना आप थर्ड कट ऑफ तक वेट करिएगा। अगर सीट्स होंगी तो आपका एडमिशन जरूर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देख लिया कि लैंग्वेज में ये है 215, ओबीसी में 205, एससी में 195, एसटी में 185 एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वालों को 200 मिनिमम मार्क्स चाहिए ही चाहिए। अगर इतने हैं तो आप तीसरी कट ऑफ तक वेट करिएगा। देन वी हैव साइंस। अब देखिए साइंस की कट ऑफ बहुत हाई रहती है। लास्ट ईयर साइंस की कट ऑफ आई थिंक 245 से ओपन हुई थी फर्स्ट कट ऑफ एंड 220 तक ही ये क्लोज हो गई थी। इवन 225 या 230 तक ही ये क्लोज हो गई थी जनरल कैटेगरी के लिए मैं बात कर रहा हूँ। तो अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, साइंस आपकी पेडागोजी है, तो आपके मिनिमम 220 मार्क्स होने ही चाहिए एडमिशन के लिए, क्योंकि ये थर्ड कट ऑफ का मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि थर्ड कट ऑफ में भी 220 मिनिमम मार्क्स होने चाहिए एडमिशन लेने के लिए। आई एम नॉट श्योर दैट इवन ऑन 220 पे आपका एडमिशन हो जाएगा, बट इफ़ यू हैव 220 मार्क्स देन यू कैन हैव अ होप दैट यू कैन गेट एडमिशन इन DU/BEd। अदरवाइज इफ यू हैव बिलो देन इट, इफ यू हैव बिलो देन 200 मार्क्स, तो आई डोंट थिंक दैट यू विल गेट एडमिशन, और आई वुड से यू नो गो अहेड फॉर अदर ऑप्शन इफ यू हैव, but moreover if you have less than that I can say that you will not get admission at all, okay। then like this OBC के लिए ये है 215 marks, SC के लिए ये रहेगा 210 marks, ST के लिए 200 marks and EWS category के लिए 205 marks। देखिए यहाँ पे एस सी एस टी वालों के लिए भी कट ऑफ कितनी हाई है साइंस पेडागोजी में, क्योंकि देखिए साइंस पेडागोजी की हमेशा से ही कट ऑफ हाई रहती है चाहे वो किसी से भी कंपेयर करें। हाँ बेशक आपकी जो कट ऑफ जो हाईएस्ट मार्क्स निकलते हैं वो सोशल साइंस से निकलते हैं, बट जो कट ऑफ क्लोज हो जाती है मैक्सिमम और मिनिमम मार्क्स पे उसमें देखें तो साइंस हमेशा ही आगे रहती है। तो अगर साइंस के बच्चे हैं आप तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करना ही पड़ेगा एडमिशन के लिए, चाहे वो आप जनरल कैटेगरी हो, चाहे ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, ईडब्ल्यूएस, ठीक है। इसी तरह फिर हम बात करते हैं होम साइंस वाले बच्चों के लिए। तो होम साइंस देखिए, होम साइंस के लिए सिर्फ गर्ल्स ही अप्लाई कर सकती हैं, क्योंकि होम साइंस केवल और केवल लेडी इरविन कॉलेज में ही आपको देखने को मिलता है, तो केवल गर्ल्स ही होम साइंस के लिए अप्लाई कर सकती हैं। तो होम साइंस जो होती है उसमें सीट्स तो एक बहुत ज़्यादा होती हैं और उसके बाद से जो कट ऑफ होती है वो बहुत ही कम जाती है, ठीक है। तो इसलिए बच्चों के जो 120 मार्क्स है जनरल कैटेगरी में उस पे भी एडमिशन हो जाते हैं, ठीक है।
जनरल कैटेगरी के लिए 120, ओबीसी के लिए 105, एससी के लिए 110, एसटी के लिए 110 एंड ईडब्ल्यूएस के लिए भी 110। अगर आपके इतने मार्क्स हैं मिनिमम, तो आप थर्ड कट ऑफ तक एडमिशन के थोड़े से चांसेस हो जाएंगे आपके। बट इफ यू हैव लेस देन इट ऑल्सो, देन आई कैन नॉट से दैट यू विल गेट एडमिशन, बट येस यू कैन वेट फॉर थर्ड एंड फोर्थ कट ऑफ एज वेल, है ना बेटा, बिकॉज इट इज अनप्रिडिक्टेबल दैट इफ कट ऑफ गोज डाउन सो यू कैन गेट एडमिशन। सो मस्ट सी द फोर्थ कट ऑफ लिस्ट ऑफ होम साइंस इवन, यू नो, बट यू नो मोर वट हैपन्स इन होम साइंस, सीट्स गेट्स क्लोज इन थर्ड कट ऑफ ओनली, बट स्टिल इफ इट डजेंट क्लोज सो यू कैन वेट फॉर फोर्थ कट ऑफ लिस्ट एज वेल। बट या आई वुड बी टेलिंग यू ऑल द कट ऑफ लिस्ट इफ इट कम्स, यू नो। ओके, सो लेट्स डिस्कस नाउ अनदर कट ऑफ लिस्ट, वी हैव कॉमर्स। सो अगर आपकी कॉमर्स पेडागोजी है तो आपको जनरल कैटेगरी में 205 मार्क्स चाहिए मिनिमम, इसी तरह ओबीसी में आपको 119 मार्क्स चाहिए, 190 मार्क्स चाहिए, एससी कैटेगरी में आपको 210 मार्क्स होने चाहिए, एसटी में 170 और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 180 मार्क्स। तो अगर आप कॉमर्स पेडागोजी से हैं तो आपको इतने मार्क्स मिनिमम मिनिमम चाहिए ही चाहिए एक एडमिशन के लिए होप करने के लिए। और ये जो मार्क्स मैंने डिस्कस करे हैं वो मार्क्स मैंने थर्ड कट ऑफ लिस्ट तक आते आते एडमिशन के करे हैं। ये मार्क्स आपके मिनिमम रहने वाले हैं, मैक्सिमम कोई भी प्रिडिक्टेबल नहीं कर सकता, लाइक मैक्सिमम कितनी भी जा सकती है, बट मिनिमम आपके इतने मार्क्स होने ही चाहिए जब भी आपको एक होप जनरेट हो पाएगी कि आपका एडमिशन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। आई होप आप सभी को सारी बातें क्लियर रही होंगी। और जितने भी बच्चों का ये डाउट है, जितने भी बच्चों के बिलो देन 200 मार्क्स हैं, तो आप इन कट ऑफ लिस्ट को देखते हुए आप अपना देख लेना कि आपका एडमिशन हो पाएगा नहीं हो पाएगा। बट स्टिल आई वुड सजेस्ट दैट यू नो प्लीज वेट टिल थर्ड कट ऑफ, क्योंकि अगर कट ऑफ इस साल डाउन जाती है तो आपका एडमिशन जरूर हो पाएगा, क्योंकि फिर ये जो मैंने यहाँ पे बताया है एक्सपेक्टेड कट ऑफ, वो भी थोड़ी सी डाउन जा सकती है, बट डाउन भी मेरे ख्याल से ज़्यादा नहीं होगी, ज़्यादा ज़्यादा 5-10 नंबर ऊपर नीचे हो सकते हैं, बट कट ऑफ जो एक्सपेक्टेड रहेगी वो इतने ही रहेगी, इतने तक बच्चों के एडमिशन हो रहे होंगे एट द एंड ऑफ द कट ऑफ एंड यू विल सी दैट। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप चैनल के साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके हर एक पल की अपडेट जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। ओके, सो थैंक यू सो मच वंस अगैन, लेट्स मीट इन अदर वीडियो, बाय बाय, थैंक यू वंस अगैन।